बिहार के नालंदा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। वहां आपसी विवाद में कुछ लोगों ने मिलकर मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान एक आदमी ने फायरिंग कर दी, जिसका एक खौफ से भर देने वाला वीडियो भी सामने आया। सामने आए वीडियो में वो आदमी फायरिंग करते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने तो लाठियों से भी हमला किया। वहीं एक शख्स पत्थर से हमला करता दिखा। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच कोई पुराना झगड़ा था, जिसकी वजह से मौका पाकर उन्होंने हमला बोल दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उन पर एक्शन ले लिया। चीन से खतरे को देखते हुए एक तरफ जापान चीन बॉर्डर पर लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करने की रणनीति पर विचार कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसके इरादे लंबी दूरी की 1000 मिसाइलें और बढ़ाने का भी आ रहा है। इस खबर से चीन के होश उड़े हुए हैं। ग्लोबल टाइम्स की माने तो जापान मिसाइल बढ़ाने की योजना इसलिए बना रहा है ताकि वो चीन को मिसाइल के मामले में बराबरी का एहसास करा सके। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं, हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ताइवान इस वक्त वो देश बन गया है जिसे बचाने और बर्बाद करने के बीच दुनिया भी बढ़ती दिख रही है। अपने पास किसी भी तरह के विनाशक हथियार रखने से बचने वाला जापान भी अब चीन को जवाब देने के लिए रेडी हो रहा है। चीन की बड़ी टेंशन अब जटायु की एक फोर्स बन चुकी है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि